उदाहरण 8। प्रश्न, दी गई आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। चित्र 7 को देखें। इसमें AB एक वृत्त का चाप है जिसकी त्रिज्याएं OA और OB हैं। इसी प्रकार CD भी एक अन्य वृत्त का चाप है जिसकी त्रिज्या है OC और OD। OAB एक त्रिज्याखंड को निरूपित करता है और OCD भी एक त्रिज्याखंड है। यदि हमें छायांकित भाग ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बड़े त्रिज्याखंड OAB के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्याखंड OCD के क्षेत्रफल को घटाना होगा और यहाँ त्रिज्याखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो है वो 30 अंश है। तो चलिए इसी प्रकार हम इसे हल कर लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल ऋण त्रिज्याखंड OCD का क्षेत्रफल। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर का वर्ग। यहाँ त्रिज्या कौन सी ले सकते हैं हम? OA त्रिज्या ले सकते हैं त्रिज्याखंड OAB के लिए, तो हो गया ये OA का वर्ग। ऋण फिर से त्रिज्याखंड OCD के लिए थीटा बटे 360 अंश गुणित पाई गुणित OCD की कौन सी त्रिज्या ले सकते हैं हम? चाहे OD ले या फिर OC, हम ले लेते हैं OD, तो OD का वर्ग। चलिए इसे आगे हल करते हैं। यहाँ पर थीटा बटे 360 और पाई जो है वो उभयनिष्ठ है, तो हमें इस प्रकार से यह प्राप्त हो जाएगा। कोष्टक में हम लिखेंगे OA का वर्ग ऋण OD का वर्ग। अब हम थीटा और OA और OD का मान रख लेते हैं। थीटा का मान कितना है हमारे पास? 30 अंश, 30 बटे 360 अंश गुणित पाई का मान रख लेते हैं 22/7। और OA का मान आप चित्र में देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का वर्ग। और OD और OC दोनों त्रिज्याएं हैं तो समान है, तो इसका भी मान हमें मिलेगा 3.5 का वर्ग। हमें प्राप्त हुआ है 30/360 गुणित 22/7 और 7 का वर्ग ऋण 3.5 का वर्ग। यहाँ पर हम इसे सरल करने के लिए सरसमिका का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 30/360 गुणित 22/7 और यहाँ पर हो जाएगा 7 ऋण 3.5 गुणित 7 धन 3.5। हमने यहाँ पर कौन सी सरसमिका का प्रयोग किया है? A का वर्ग ऋण B का वर्ग बराबर A ऋण B A धन B। 30/360 को हल करने पर हम इसे लिख सकते हैं 1/12 गुणित 22/7। कोष्टक में हमें मिलेगा 3.5 गुणित 10.5। इसे और सरलीकृत करें तो 2 के पहाड़े से हम इसे लिखेंगे 2 × 12 और ये 22 जाएगा 11 बार। चलिए अभी हम प्राप्त हुआ 11/6 गुणित 7 गुणित 3.5 गुणित 10.5। अब और हल कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 11/6 गुणित 7 गुणित 10.5 गुणित 3.5 में
सात से यदि हम हल करें तो ये होगा 7 एकम 7 और यहाँ पे हमें मिलेगा 0.5। इसे पूरी तरीके से हल करने के पश्चात हमें मिलेगा 9.625 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल वह मिला है हमें 9.625 वर्ग सेंटीमीटर।